हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं मॉडल इम्प्रूवमेंट के बारे में। एमोस के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब भी अगर मैं मेरे बेसिक मॉडल में कोई भी चेंज करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉडल है क्वालिटी लीड्स टू सेटिस्फेक्शन एंड बॉथ लीड्स टू लॉयल्टी एंड बिहेवियर इंटेंशन, तो ये एक बेसिक मॉडल है और मैं इसमें चेक कर सकता हूँ इसका रिजल्ट कैसा आता है। सो रन, और ये मुझे देगा सीम इन बाय डी एफ वैल्यू। तो यहाँ पर का स्क्वायर वैल्यू है 407, राइट। अब अगर मैं प्रपोज करता हूँ कि एक मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी लॉयल्टी से भी इंटेंशन होता है। अगर आप लॉयल हैं तो आपका बिहेवियर इंटेंशन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी तो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, दोनों के बढ़ने से लॉयल होगा पर्सन और बिहेवियर इंटेंशन यानी इंटेंशन टू रीपर्चेज बढ़ेंगी। अब अगर मैं ये यहाँ पे क्लेम करता हूँ कि इस लॉयल्टी से बिहेवियर इंटेंशन पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसको चेक कैसे करें, क्या ये सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है या नहीं। तो हम इसको पहले वाला याद रखिएगा 407, तो नए वाला चेक करें, ये हमारा बनेगा थोड़ा कम हो जाना चाहिए आई होप, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कम हो जाती है। तो 407 से 406 क्या ये सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है, ये हम चेक करते हैं काई स्क्वायर की वैल्यू से। देखिए काई स्क्वायर की वैल्यू आई होप आपको याद ही होंगी, वरना हम एक बार टेबल देख लेते हैं। सो काई स्क्वायर की टेबल में देखिए, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो हमारी जो वैल्यू गिवन है वो 3.84 है, यानी अगर इससे छोटा कोई भी फर्क आता है तो वो तो बहुत ही मामूली सा फर्क है, वी विल से नो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, और अगर बड़ा है तो हम अकॉर्डिंगली देख लेंगे। तो ये कैसे पता लगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, चेक करें यहाँ पे, मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है 183 और पहले मॉडल में था ये 184। आप चाहे तो इसे दोबारा रन करके देख लीजिएगा, और 407 से 406 हो गया, यानी जो चेंज आया है काई स्क्वायर में वो 1 का आया है फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो कितना चेंज, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हमारी कम होती है, कितना चेंज को हमको बोलेंगे कि नहीं ये सिग्निफिकेंट है, दैट इज गिवन इन द टेबल। अगर ये 3.84 से ज्यादा चेंज हो जाता है तो हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, अदरवाइज तो ये तो जस्ट माइनर सी बात है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था हमारे पास, था नहीं मतलब है, एमोस में हम हमेशा बता सकते हैं कि हम कुछ भी नया प्रपोज करते हैं मॉडल में वो इंप्रूव हो रहा है। इस चीज को मैंने एक वीडियो में डिटेल में समझाया है, ये प्लेलिस्ट का नाम है लिकर्ट स्केल कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस और एमोस 19 एमोस 20। इसमें मैंने इन चीजों की डिटेल में बात की है कि कैसे आप कुछ भी अगर चेंज करते हैं तो आपको दिखाना होता है कि वो मैथमेटिकली इंप्रूव हो रहा है। अब ये जो टर्म है कुछ भी चेंज करते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने एक नया एरो चेंज कर दिया, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ड्रॉप कर दिया, एक नया वेरिएबल ही ऐड कर दिया, कुछ भी मतलब कुछ भी। जो एग्जिस्टिंग मॉडल में आप कोई भी चेंज अगर प्रपोज करते हैं तो वो आपको सीम इन बाय डीएफ से दिखाना होता है कि ये सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है या नहीं है। ये हम करते थे एमोस में। अब हम चलते हैं स्मार्ट पीएलएस में। स्मार्ट पीएलएस में आपको पता है मॉडल फिट तो है नहीं, तो यहां क्वेश्चन आया कि अगर मैं प्रपोज करूं लॉयल्टी से बिहेवियर इंटेंशन होता है तो कैसे पता लगेगा। तो डेवलपर्स ने कहा कि आप एक काम करें, हमारे पास मॉडल फिट है, आप पीएलएस प्रेडिक्ट, सॉरी नॉट मॉडल फिट, हमारे पास पीएलएस प्रेडिक्ट है, तो आप पीछे क्या हुआ मॉडल में उसको छोड़िए, आप ये बताइए फ्यूचर कैसा रहेगा। पीएलएस प्रेडिक्ट हम यूज करते हैं 10:10 पे, और ये आपको देगा कुछ लेटेंट वेरिएबल का और कुछ हमारे पास ये एलवी और एमवी। अब ये जो एलवी है लेटेंट वेरिएबल, ये वैल्यूज ये हमें यूज करनी है कंपैरिजन के लिए, हमें देखना है कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो 855, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया एक्सेल फॉर्मेट में, और इसी तरह से मैं यहाँ पे अब अपना मॉडल चेंज कर देता हूँ लॉयल्टी से इंटेंशन और पीएलएस प्रेडिक्ट। पीएलएस प्रिडिक्ट की आपको ये बात याद रखनी है, ये काम करता है हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो इस मॉडल में आपको कितने डिपेंडेंट वेरिएबल दिखते हैं, एक सेटिस्फेक्शन है, लॉयल्टी है, इंटेंशन, जिसमें भी इनकमिंग एरो है उसका नाम है डिपेंडेंट। तो यहाँ वैल्यू हमारी एलवी लेटेंट वेरिएबल की आ गई है, ये वाली तीन वैल्यू। रिमेंबर ये एमवी वैल्यू और बाकी ये सारी हमारा हम चेक करते थे प्रिडिक्शन कैसा है, हमारी स्टेटमेंट ठीक है नहीं, किसी स्टेटमेंट को ड्रॉप करना हो इसके बारे में। सो इसको भी कॉपी कर लेते हैं एलवी प्रिडिक्शन वैल्यू को, और इनको हम ले चलते हैं एक्सेल के अंदर।
अब एक्सेल में हम ये देखेंगे, ये मेरा था एग्जिस्टिंग मॉडल और ये है मेरा नया मॉडल। तो इसका नाम मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसका नाम एग्जिस्टिंग और अगले मॉडल का नाम रहेगा मेरा, ये हो गया मेरा अल्टरनेट मॉडल। अल्टरनेट मतलब मैं जो भी नया प्रपोज कर रहा हूँ। और हम चेक करते हैं कुछ हमारे वैल्यूज़ कम हुई क्या, ये वैल्यू तो कम हो गई है, ये भी कम है, ये कम नहीं है, यानी सेटिस्फैक्शन में तो उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर मैं इंटेंशन की बात करूँ वहाँ लगता है कम हो गया RMSE। और प्रिडिक्ट तो कुछ खैर बढ़ा नहीं, लॉयल्टी का प्रिडिक्शन बढ़ गया है और इसका एक्चुअली कम हो गया है। देख रहे हैं आप, एक तो बड़ा कन्फ्यूजन है कि मतलब क्या कंक्लूजन निकालें, ये तो बढ़ा नहीं है पर हाँ RMSE थोड़ा कम हो गया है। पर एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता था कि ये तो ठीक है कम हो गया है पर कितना कम हुआ है, देखें कितना कम हुआ है। सो इसमें से जब हम जो नई वैल्यू है देखें, ये तो 0.002 है, तो ये क्या सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं CVPAT। तो अभी तक इसमें स्मार्ट PLS में एज ऑफ नाउ तो नहीं आया है नवंबर 2020 में। तो CVPAT का मतलब है क्रॉस वैलिडेशन प्रिडिक्टिव एबिलिटी टेस्ट। इसका एक पेपर पब्लिश हुआ है, ये पेपर अवेलेबल है रिसर्च गेट के ऊपर, तो यहाँ आ जाइए आप। प्रिडिक्शन कॉविटेड येट फॉर सेकन इंट्रोड्यूसिंग अ क्रॉस वैलिडेटेड प्रिडिक्टिव एबिलिटी टेस्ट इन PLS। अब लिखा तो है इन्होंने PLS पाथ मॉडलिंग, ये तो नहीं लिखा ना स्मार्ट PLS में है, इस एल्गोरिथम में है और ये इन्होंने दिया है आर स्टूडियो से, और आर स्टूडियो जो कि इसको यूज करेगा मैट्रिक्स PLS को। अब देख रहे हैं हमारी कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं। तो ये जो पेपर है आप इसको डाउनलोड करें और आइए पढ़ते हैं पेपर को। पेपर है बेंजामिन प्रत्युष निधि शर्मा हॉल्ट जेंसन मार्को हेयर रिंगल इन सभी सारे दिग्गज इकट्ठे हैं। इस पेपर में इन्होंने समझाया कंसेप्ट क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे, आप ये पढ़िएगा, मैं अभी आगे चलता हूँ। इन्होंने पूरा बताया हिस्टोरिकली कि पहले आर स्क्वेयर आता था, फिर क्यू स्क्वेयर आया, ब्लाइंड फोल्डिंग, PLS प्रिडिक्ट हम कैसे यूज करते हैं, एल्गोरिथम्स बताए इनके चेंजेस के, क्या क्या चेंजेस करेंगे। एक सिमुलेशन स्टडी पे इन्होंने काम किया है, तो अब डाटा कलेक्शन कम होता है, सिमुलेटेड डाटा लेके उस पर लिखते हैं कि ऐसे ऐसे हमने करके देखा, उसके रिजल्ट्स बता दिए इन्होंने और इन्होंने कहा कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। अब प्रोसीजर भी उसका दिया है कि आप सबसे पहले एग्जिस्टिंग मॉडल बनाइए, एक अल्टरनेट मॉडल बनाइए अपना जो भी आप प्रपोज कर रहे हैं, और सर्टेनली उसके ऊपर कोई थ्योरी होगी उसके पीछे कैसे आप बोल रहे हैं, PLS को रन करें, इसके बाद CVPAT आ जाता है और फिर आप डिसाइड करते हैं। और ये चीज़ ऑथर्स ने डिफाइन की है पेज नंबर 17 में, इन्होंने लिखा है कि हमने कार का यहाँ पे पैकेज बनाया है, वो पैकेज अवेलेबल है GitHub इकॉन पे। तो चलिए GitHub पे चलते हैं। सो GitHub इकॉन के ऊपर यहाँ पर कोड गिवन है GitHub इकॉन CVPAT, राइट, ये पेपर के अंदर गिवन है पेज नंबर 17 पे, और यहाँ चेक कर लीजिए फुटनोट्स में गिवन है पेज नंबर 17, फुटनोट्स में 15 नंबर है यहाँ पे कि ये हमने इस पे बनाया है। तो चलते हैं इस पे, कैसे करना है कोड और डाउनलोड जिप, जिप को आप अनजिप कर लीजिएगा, अनजिप करने के बाद आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। मैंने पेपर भी इसमें डाल दिया है, एक मेरी डेमो फाइल डाल दी है। तो इसमें एक तो ये फंक्शन है CVPAT, खोल लेते हैं CVPAT को। तो अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा प्रोसेस मैक्रो प्रोफेसर हेज ने दिया है जो 5000 लाइन का कोड था, ये कोड 272 लाइंस का है। इस कोड का आपको कुछ नहीं करना, ये एक तरह का आपका CVPAT को अनेबल करेगा, तो आपने इसको सिलेक्ट ऑल करके सिर्फ रन कर देना है, राइट। तो जब आप रन कर देंगे तो आपके एनवायरमेंट में देखिए ये फंक्शन बन गया ना कि बूटस्ट्रैप लॉस फंक्शन CVPAT, इस CVPAT को हम यूज करने वाले हैं। तो इसका अपना कोई पर्पज नहीं है, सिर्फ इसको जब आप एक बार रन करेंगे तो आपके पास CVPAT फंक्शन आ जाएगा। यानी दोबारा से, इसके लिए क्या हमें कोई टूल चाहिए, हाँ एक हमें टूल का मतलब क्या हमें कोई पैकेज चाहिए, हाँ जी एक पैकेज भी चाहिए, पैकेज का नाम है CVTools, क्रॉस वैलिडेटेड टूल फॉर रिग्रेशन। अब आप एक बार देखते जाइए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाइए इंस्टॉल पैकेज CVTools, CVTools आ गया, इसको आपने इंस्टॉल करना है क्योंकि एक क्रैन के ऊपर गिवन है, सीधा आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ये हो गया पार्ट वन। पार्ट टू, आपको CVPAT चाहिए, CVPAT आपको मिलेगा GitHub से,
और गिटहब का लिंक अगर ये याद रहे इकोन शेयर सी वी पैट फैंटास्टिक, अदरवाइज रिसर्च गेट से पेपर को डाउनलोड करें। पेपर में पेज नंबर 17 पे फुटनोट में ये इनका लिंक दिया हुआ है github.com। मैं इस वीडियो के नीचे ये लिंक दे भी दूंगा सीधा कि आपको इस पे जाके डाउनलोड करना है, क्योंकि ऑथर्स ने ओपन सोर्स में ये दिया ही हुआ है गिटहब पे, तो मैं इनका लिंक तो दे सकता हूँ पर इट्स बेटर आप जाके इनकी साइट से ही इसको डाउनलोड करें। पेपर रिसर्च गेट के ऊपर डिस्कस है, एक डेमो फाइल ये मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, बाकी सब वो वही है। एक जो इन्होंने सी वी पैट का एग्जाम्पल दिया है मैंने उसमें थोड़े से चेंज कर दिए डेमो के अकॉर्डिंगली। ऑथर्स हमेशा अपना जो कॉरपोरेट रेपुटेशन मॉडल है वो लेते हैं, और सी वी पैट एग्जाम्पल डेमो इसको हम यूज करने वाले हैं। ये मैंने मैट्रिक्स प्लेस को यूज करके ये लिखा है, तो मैं आपको एक बार सिंटेक्स इसका अलग से लिख देता हूँ। तो ये हमारा इसका प्रोसीजर है, क्रॉस वैलिडेटेड प्रिडिक्टिव एबिलिटी टेस्ट। आपको डाउनलोड करना है github.com इकोन शेयर सी वी पैट से, और इसके बाद इसको अनजिप कर लीजिए। ये पार्ट वन जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसके अंदर आपकी वो फाइल गिवन है cvpat.org। नंबर टू, सी वी टूल्स आपको इंस्टॉल करना है क्रैन के अंदर। नंबर थ्री, अपना एग्जिस्टिंग मॉडल और जो भी आप न्यू मॉडल बोल रहे हैं, न्यू मॉडल को यहाँ पे बोला जाता है अल्टरनेट मॉडल, ये आप डिफाइन कीजिए यूजिंग मैट्रिक्स PLS पे। ये हम डिफाइन कर चुके हैं कि एक मैट्रिक्स के तरीके से इसमें स्ट्रक्चरल मॉडल, मेजरमेंट मॉडल, रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव, तीन चीज हम डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडल, मेजरमेंट मॉडल, रिफ्लेक्टिव मॉडल। और मैट्रिक्स PLS हमेशा रन होता है डाटा फाइल पे नहीं, उसके कोवेरियंस पे। ये तीन काम करने के बाद आपको रन करना है cvpat.r, बस फिर इसको भूल जाना है। वापस हम अपनी जो बेसिक स्क्रिप्ट फाइल है उसमें आएंगे और cvpat को यूज करेंगे। cvpat फंक्शन हमें मॉडल इंप्रूवमेंट स्टैटिस्टिक्स दे देगा, टी स्टैटिस्टिक्स या पी वैल्यू, उस पर हम काम करेंगे। तो ये पांच स्टेप्स हैं, आप कोई भी पहले कर सकते हैं, कोई बाद में, इसको पहले रन कर लीजिए या इसको पहले, डजंट मैटर, पर ये दो काम आपके हो जाने चाहिए। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, क्रैन से इंस्टॉल करना और गिटहब से, दोनों से। थर्ड है एग्जिस्टिंग मॉडल अल्टरनेटिव मॉडल को डिफाइन करना अपनी आर स्क्रिप्ट फाइल में। फोर्थ, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, रन करें, फॉरगेट अबाउट इट, और इसी मोड जिसमें आर स्क्रिप्ट फाइल थी उसमें सी वी पैट हम लिखेंगे फाइनली। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप इतने यहाँ तक का काम कर लीजिए। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।